हेलो दोस्तों एंड सत श्री अकाल आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं जिस वीडियो को लेकर आई हूँ आपके सामने, वो वीडियो है वर्ल्ड वॉर। तो क्या है वर्ल्ड वॉर, चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नवे नवे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। सिखां दी बहादुरी दे चर्चे ना कल्ली 1965 ते 71 दी ते जां चीन दे नाल होई 1962 दी जंग तक सीमित नहीं है, ते जां कल्ले अफगानिस्तान जित्तण तक नहीं है। सिखां दी बहादुरी दे चर्चे तां जर्मनां ते यूरोप तक भी रहे आ। जर्मनां ने सिखां दी बहादुरी तों हैरान हो के ना सिखां नूं चिट्ठियां तक लिखियां सी कि साडी फौज दे विच आ जाओ, असीं तुहानूं सिटीजनशिप वी दे दिंदे आ जर्मन दी। तरवंजा सिख यूनिट दे फौजी तुर्की तों पैदल चल के ईरान वर्गे मारूथल ते जंगलां नूं पार कर देना अफगानिस्तान तक पैदल पहुँच गए सी, इन्ना सफ़र तय करके पैदल। फ्रांस दे सोम दा इलाका कदे भी जर्मना कोलों छड़ाया नहीं सी जाना, ते जे अंग्रेज सिख रेजिमेंट दी हेल्प ना लेंदे। द बैटल ऑफ द सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डार्क सच टीवी ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। अज आपां हाजिर होए हैं एक नवी वीडियो दे नाल। इस वीडियो च आपां गल्लबात करनी है वर्ल्ड वार वन दे विच कि उह सिखां दी बहादुरी दे किस्से उह जिहड़े सानूं दस्से नहीं गए जां साडे तों लुका ले गए, ते जां असीं इंग्लिश दीआं जिहड़ियां वर्ल्ड वार वन ते किताबां आईआं उह असीं पढ़न दी कोशिश नहीं कीती। जिहड़ी सिखां दी बहादुरी दे किस्से सी ना उह सिर्फ पाकिस्तान की जंग जिहड़ी हुई है 1965 की जां 1971 की जां 1999 की कारगिल उत्थों तक सीमित नहीं सी, जां 1962 की जंग दे विच जिथे सूबेदार जोगिंदर सिंह जी बहादुरी नाल लड़दे आ उत्थों तक सीमित नहीं सी। कुछ एक इतिहासकारां नूं असीं पढ़दे आ सिर्फ साडे किस्से सानूं कित्थों तक याद आ, जां सरदार हरी सिंह नलूए दे सानूं किस्से याद होणगे कि सिखां ने अफगानिस्तान दे उत्ते भी राज कीता, पर इह एशिया दीआं गल्लां सारीआं। जे तुसीं सिख इतिहास की सर्च शुरू करोगे ना तो यूरोप दे विच सिखां दी बहादुरी दे चर्चे सी। जर्मन हैरान होंदे सी सिखां नूं वेख के कि इह किद्दां दी कौम आ उह जिहड़ी कदे खत्म ही नहीं हो रही, तो जिहड़ी लड़दी भी इन्नी बहादुरी नाल कि वरदियां गोलियां दे सामने आ के खड़े हो जांदे आ। सो अज आपां गल्लबात करन लगे आ कुछ क लड़ाइयां दी जिहड़ियां कि वर्ल्ड वार वन दे दौरान लड़ियां गईआं सी। इस लई तुसीं इस वीडियो नूं पूरी जरूर वेख्यो बगैर स्किप कीते हुए। तो एक बेनती होर आ कि जे तुसीं चैनल पर पहली बार आए हो ना तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ ताकि असीं इदां दीआं होर वीडियो भी तुहाडे तक लिया सकीए, क्योंकि वर्ल्ड वार टू दे विच भी इदां दीआं बहुत घटनावां सी, जे कहोगे आपां उहनां ते भी एक वीडियो जरूर बना देंगे। सो सब तो पहलां आपां गल करदे आ सोम की लड़ाई की। सोम एक फ्रांस का ऐसा इलाका सी ना, फ्रांस च एक जगह जिथे एक सोम नदी आ उत्थे एक जंग लड़ी जाती है, यानी कि जिहड़ा फ्रांस सी ना वह पूरी तरह जर्मना के कब्जे के आ चुका सी, ते उसनू छड़ाउण लई जिहड़ी ब्रिटिश आर्मी सी वह उत्थे लड़ रही सी। सोम की लड़ाई 1 जुलाई 1916 शुरू हुई सी जिहड़ी कि 18 नवंबर तक चली सी। ते सोम की लड़ाई विच ना घट्टो घट्ट नहीं तां 30 लाख सैनिक आ जिहड़े वह लड़ रहे सी, ते इस लड़ाई के दौरान ना घट्टो घट्ट नहीं तां 10 लाख लोग आ जिहड़े वह जख्मी, ते उन्हां चों लोकां दीआं जानां भी गईआं सी, तकरीबन अद्धे तो ज़्यादा लोकां दीआं जानां उस सोम दी लड़ाई विच गईआं सी। ते दुनिया दी अगर सब तो खतरनाक लड़ाइयां दी गल करिए ना, जिन्हां नूं सब तो घातक लड़ाइयां कहा जांदा, ते सब तो घातक लड़ाइयां दे विच शामिल आ सोम दी लड़ाई। सोम दी लड़ाई च इन्नी गोली वरदी सी ना दिन रात कि 5 महीनों च अंग्रेज़ सिर्फ 7 मील ही अगे वध सके सी, कि इन्नी गोली उत्थे वर रही सी। आखिर ते की कीता जांदा जदों होर कोई चारा नहीं ना बचदा, ते सिख एक सलाह दिंदे आ, सिख कहिंदे आ कि इदां पिछे बैठ के तुसीं हौली हौली अगे वधोगे तुसीं मर जाओगे, इस जंग जित्तण लई ना घोड़िया की जरूरत आ, कि सिख घोड़िया के उपर बैठ के वरदियां गोलियां च अगे वधदे आ। वह कहिंदे सी जे तुसीं पैदल अगे वध रहे हो, क्योंकि जिहड़े जर्मन सी ना वह ट्रेंचां दे विच बैठे सी, ट्रेंच मीन जिहड़ियां खाइयां हुंदियां ना टोआ जिहा पट के उहदे विच जिहड़े फौजी बैठे हुंदे आ, मोर्चा वी जिहनूं आपां कह सकदे आ, उहदे अंदर बैठे सी जर्मन दे फौजी। जदों इह अगे वधण दी कोशिश करदे सी ते उह अगों गोलियां चलांदे सी, अगे नहीं सी वध पा रहे,
सिखा ने जदों घोड़िया ते बैठ के जर्मन दिया फौजा वाल मूँह किया ना, जर्मन ने गोली नहीं सी रोकी, गोली अन्नेवाही चल रही सी, पर सिख घोड़े इन्नी तेजी ना भजा के लैके गए सी। हालांकि शहीदियां भी हुई उस दौरान, गोलियां वजिया भी है सिखा, बट उन्होंने घोड़े नहीं सी रोके, घोड़िया की स्पीड इन्नी ज़्यादा कर ली सी ना, तो जाके उन्होंने पहली ट्रेंच के अंदर एंट्री कर ली सी सिखा ने, जाने के उन्होंने जर्मन तो हथियार खोले से। सोम की लड़ाई का ना ये मैं अपने को नहीं कर रहा, मैं थोड़ा एक पोस्ट भी साइड पर दिखा दिना, थोड़े दिन पहला मैं एक पढ़ रहा सी, एक अंग्रेज़ ने इस लड़ाई का जिक्र भी किया, तो उन्हें इतों तक लिखा कि जदों सिख बोले सोहने हाल से सत श्री अकाल के नारे लाते गए सी ना, तो जर्मन के हाथ पैर कंब गए। इदा करद्या करद्या सोम का इलाका जिहड़ा कि फ्रांस का इलाका सी, वह जर्मन को छड़वा के फ्रांस को सौंपया सी सिखा ने। वर्ल्ड वार वन दौरान ना सानू एक घटना होर देखने मिलती है, वह घटना हैगी तुर्की की। तुर्की दे विच भी वर्ल्ड वार जदों चल रही सी ना, ते इतिहास दे विच लिखिया मिलता कि तुर्की दे अंदर जिहड़ा 53 सिख बटालियन यूनिट सी ना, उहदा एक हौलदार सी, हौलदार ना सी सरदार, विदेश में जाके ऐसी लड़ाई लड़ते हैं, सरदार अर्जन सिंह नूं बहादुरी दा वार पता क्यों दित्ता गया सी। वरतिया गोलियां दे विच एक अंग्रेज अफसर सी ना जिहड़ा, वह जख्मी हो गया सी, ते गोलियां अन्नेवाह वर रही सी, ते किसे अंग्रेज अफसर विच इन्ना हौसला नहीं सी कि वह वरदियां गोलियां च जाके अपने उस अफसर नूं चक लियावे। ते हौलदार अर्जन सिंह ना लड़ाई दे वरदियां गोलियां च जाके उस अंग्रेज अफसर नूं अपने मोढ़ियां ते इदां चक लिया सी जिवें कोई आपां आटे दी बोरी चक के लैके आउंदे आ। ते एक होर मैं तुहानू घटना दस दिया कि जिहड़ियां वफादारियां सी ना साडियां, उस मैं वफादारी दी भी मिसालां दे रहा कि सिखां च वफादारियां किन्नियां सी, कि किसी दे अगर नाल खड़ गए ना तो फिर कदे विकदे नहीं सी। एक बार की होया 1916 दे विच वर्ल्ड वार वन दौरान ही ना, जिहड़े जर्मन दे सिपाही सी ना उन्होंने सिखां नूं बंदी बना लिया सी। असल दे विच उन्हां नूं इह लग रहा सीगा कि शायद इह मुस्लिम आ, क्योंकि सिखा ते मुसलमाना च शायद बहुता फर्क नहीं सी वेख्या जा सकता उस टाइम, क्योंकि मुसलमान भी पग्गां बांधदे सी ते दाड़ियां भी वह रखते सी। ते वह की करदे आ, वह उन्हां सिखां नूं भेज दिंदे आ तुर्की, क्योंकि जिहड़ा तुर्की दा उस टाइम दा राजा सी ना, जिहड़ा शासक सी, वह मुसलमान सी ते वह जर्मन दे नाल खड़ा सी। वर्ल्ड वार वन दे दौरान जिहड़ा तुर्की सी ना वह जर्मन दी साइड तों लड़ रहा सी, ते उत्थों दा राजा एक मुसलमान सी, इसलिए सिखां नूं मुस्लिम समझ के वह भेज दिंदे आ तुर्की, ते तुर्की दीआं बैरकां दे विच्चों सिख आ जिहड़े भज जांदे आ। हुण उन्हां दा सफ़र देखो, तुर्की तों अगे मैसोपोटामिया हो गया, उस तों बाद जिहड़ा खतरनाक इराक दा ईरान दा इलाका सारा पार करदे आ। ये इलाके पता किद्दां दे सी, ये इलाके उह सी जिहड़े जंगली ते रेगिस्तान दे इलाके सी, जिथे दूर दूर तक कुछ भी नहीं सी हुंदा। अज वी तुसीं मैप ते देखोगे ना, ये इलाके इदां दे आ। सिख उत्थों निकल के मैसोपोटामिया ईरान पार करते हुए अफगानिस्तान तक पहुँच गए सी, वह जिहड़े कि उन्होंने मुस्लिम समझ के तुर्की भेजे सी, ते अफगानिस्तान दा सफ़र तय करते उत्थे आके अंग्रेज़ां दीआं चौंकियां लभ के उन्हां च शामिल हो गए सी दोबारा आ गए। ये वर्ल्ड वार वन की घटना है, ये वफादारी दीआं मिसालां जिहड़ियां सिखां दीआं। वफादारी तो इलावा उन्हां दा एक बहादुरी एक जज्बा देखो कि दो तीन देश पैदल ही पार कर लेने बगैर किसी साधन तो चल चल यहां 1 किलोमीटर पैदल ही। जंदा जंदा मैं एक घटना दा होर जिक्र करदा जिहड़ी वर्ल्ड वार वन सी, पार कर चुके पैदल, ओहदे विच 11 लाख इंडिया दी आर्मी गई सी लड़न वास्ते, ते 11 लाख आर्मी दे विचों ना 20% कल्ले सिख सीगे, ते हालांकि उदों सिखां दी जिहड़ी आबादी सी सिर्फ 1% सी, 2-2.5% तां हुण होई आ। जदों 1% आबादी सी ना उदों 20% सिख सी जिहड़े वर्ल्ड वार वन च लड़न गए सीगे। अगर वर्ल्ड वार वन ब्रिटेन ने जीती आ ना, ते उहदे विच सब तों वड्डा योगदान सिखां दा रिहा। हुण जिहड़े कई सिखां तों नफ़रत करदे आ जां सिखां दी बहादुरी तों जलदे आ, मैं तां इही कहांगा ओ ये सवाल जरूर करनगे चाहे कमेंट च करन कि सिखां दा योगदान क्यों रहा सब तों वध वर्ल्ड वार वन जे अंग्रेज़ां ने जीती आ। बैठे भी कई बार उन्हां च इन्ना हौसला नहीं हुंदा, सामने भी ट्रेंच आ ते तुहाडे भी ट्रेंच आ, ते तुसीं अपनी ट्रेंच तों बाहर निकल के अगे नहीं वधोगे, क्योंकि तुहानूं डर आ कि अगों गोली चल जूगी।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਟਰੈਂਚਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਣ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਟਰੈਂਚਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਰਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗੂਠ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਂਚ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਟਰੈਂਚਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮਰੋ, ਜੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਰੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜ ਕੇ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਟਰੈਂਚਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੌਹਰ ਵੇਖੇ ਸੀ ਨਾ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ 1940-42 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਲੜੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 2 ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 1971-92 ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਆ, ਜਾਂ 62 ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਯੂਰਪਾਂ ਤੱਕ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਛਡਵਾਇਆ ਸੀ ਜਰਮਨ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਈ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਨਕੀ, ਔਰ ਆਜ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾ ਕਿੱਸਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਾ, ਬਾਪ ਰੇ ਬਾਪ। ਜਹਾਂ ਹਮ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਤੇ, ਵਹਾਂ ਉਹਨੇ 2-2-3-3 ਦੇਸ਼ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕਰੇ ਹੈ। ਸਲਿਊਟ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਯਾਰ ਉਨਕੋ, ਸੱਚ ਮੇਂ ਦਿਲ ਸੇ। ਔਰ ਹਿਟਲਰ ਜੈਸਾ ਇਨਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਹਿਟਲਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਜੈਸਾ ਤਾਨਾ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਆ, ਜਿਤਨਾ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਉਸਕੇ ਕਿੱਸੇ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਕਿ ਅਗਰ ਵੋ ਮੇਰੀ ਸੇਨਾ ਮੈਂ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀਤ ਸਕਤਾ ਹੂੰ। ਬਾਪਰੇ, ਤੋ ਇਸੀ ਸੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਤੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋ ਹਮ ਉਨਕੋ ਸਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰ ਅਗਰ ਭੇਜਤੇ ਤੋ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਬ ਸੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿਤੇ ਨਾ ਕਿ ਵੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਤੋ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੋ। ਮੁਝੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਆ ਥਾ ਜਬ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾ ਪੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਔਰ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੇਫ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਸੀ ਨੇ ਮੁਝੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਯੇ ਕਹਾਂ ਸੁਣਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ, ਤੋ ਐਸੇ ਲੋਕੋ ਸੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਸੱਚ ਮੈਂ, ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ। ਘਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਕ ਬਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਤਾ, ਪਰ ਸੀਮਾ ਪੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਔਰ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿਲਾਨਾ ਵੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਐਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਮਤ ਕੀਜੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਤੋ ਬਹੁਤ ਕਿਆ ਹੀ ਬੋਲੂੰ ਕਿਆ ਥੀ, ਤੋ ਮਿਲਤੀ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਅਪਨੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ, ਤਬ ਤੱਕ ਆਪ ਲੋਗ ਅਪਨਾ ਔਰ ਅਪਨੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਸਭੀ ਲੋਗੋ ਕੋ।